इवान को मैंने पूरी रात भर संभाला है। यूट्यूब से रेसिपी देखी जा रही है घर में। ये क्या तरीका है भाई, खुद उठा ले और निकल ले। जब कॉन्फिडेंस टूटता है ना, हम टूर कराते हैं हमारे इवान की बाथरूम का। कोई और किसी को ना मार दे अभी। सुबह की चाय हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ किचन में वापस बर्तन रखने, देखते क्या हाल चाल है। मैं सुबह सोया हूँ 5:30 बजे। इवान को मैंने पूरी रात भर संभाला है, कोई नींद नहीं आती है, जो भी अपनी अपनी ड्यूटी बनती है कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। 5:30 बजे सोया हूँ और 10 बजे उठा हूँ, थोड़ा लेट हो गया लेकिन ठीक है। सोचो 5:30 बजे, सारे लड़कों के लिए चेतावनी है, तुम्हारे मैनर्स का है, तुम लोग कैसे इतनी जल्दी सो रहे हो। अगर आपका कोई हस्बैंड है, ऑल द लेडीज गो मारो, धक्का दो, उठा दो। आज बन रही है कड़ी, हम देख लिए, करो 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 करो। यूट्यूब पे पूरी रेसिपी देख रही हो दीदी, तो फिर उल्टा सीधा बना दो चलेगा, लेकिन यूट्यूब से रेसिपी देख, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या बन रहा है आज, कौन सी कड़ी बन रही है। यूट्यूब से देख रही रेसिपी, वाह तू लोग बबुआ, यूट्यूब से रेसिपी देखी जा रही है घर में। क्या यूट्यूब से रेसिपी देख रही है दुर्गा दीदी, कैसे? अच्छा नहीं तो क्या, अच्छी बात है ना। भूल गई रेसिपी, भूल गई तो दोबारा से यूट्यूब पे देख के बना रही है। अच्छा देखो यूट्यूब की पावर देखो। तो कुल मिला के हमारी भी तो पावर बहुत हुई गाइज, जस्ट वार्निंग, पंगे मत लेना, हमारे पूरे यूट्यूब पे मतलब जो भी है। गाइज आप लोग में से बहुत लोग पूछा है निशा दीदी लेट क्यों आई, मुझे भी नहीं पता। निशा दीदी आज बहुत लेट आई है और बहुत दिक्कत भी हुई काम में। मैं पूछता हूँ निशा दीदी आप लेट क्यों आई हैं, आप घर पे मेहमान आ गए थे तो हम लोग को बताना नहीं आपका फर्ज है। तुरंत ही आ गए, नहीं मैनर्स का है तुम्हारे, अपने हस्बैंड को ऐसे टोक रही हो। पहले पता होता तो बता देते, अब एक सवेरे आपको पता है हम 5:30 बजे सोए हैं रात को। अभी सुबह बताया 3:30 बजे सोए हैं। नहीं है, वो 2 घंटा थोड़ा इधर उधर हो गया। So guys, आज भी थोड़ा सा लेट हो गई काम पे आने में, तो अमन ने मुझे ऑर्डर दिया कि अब तुम आ रही हो तो घर से चाय लेके आओ। आपको पता है हमारे सलाह में चाय कॉफी सब मिलती है एंड बाहर से भी हम चाय मंगवाते हैं, लेकिन जनाब ने घर से चाय मंगवाई है। एक तो लेट आ रही है, ऊपर से चौड़ दिखा रही है, मुझे इस चीज की दिक्कत है। और गाइस इसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए कि ये आज घर पे कैसे है, ये बदला लेने के लिए ये चाय निकाल भी नहीं रहे, बोलिए खुद निकाल। और देखिए स्टारबक्स के कप में चाय पी जा रही है, घर की चाय। हाँ बट घर की चाय। तो अमन मोटवानी अब तुम पिला ही रहे हो चाय, मतलब मेरी लाई हुई चाय को अगर तुम सर्व कर ही रहे हो तो ऐसे सर्व करो जैसे कि मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ। और अच्छा हाँ, चाय लाई हो तुम, हाँ मैं तुम्हें पिला रहा हूँ, मतलब गेस्ट चाय लाया है बेटा को दे रहे हो और बेटा का वापिस सॉरी कहती होगी, कहती होगी सर जी, वेटर लाए हैं चाय गेस्ट के लिए और अब गेस्ट वेटर को चाय पिला। अच्छा तुम गेस्ट हो तो ठीक है गाइस, डिसाइड हो गया है अमन बॉस है एंड मैं गेस्ट हूँ, अब तो मुझे चाय पिला। बॉस और गेस्ट एक दूसरे में लगे, कोई सर्विस वाला नहीं हम लोग। अच्छा ठीक है, बॉस तो ही डायरेक्ट लगे, ठीक है तुम वेटर हो। गाइस ऑलवेज रिस्पेक्ट योर हस्बैंड, ऑल द लेडीज थैंक यू सो मच। और मैंने लोगों को बताया सुबह में 5:30 बजे सोया था, समझी हो, मैं सच बताना भूल गया। गाइस ये इतना बड़ा झूठता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, कई बार ये ऐसे कुछ मजाक करता है और आप उसे बिलीव कर लोगे और आप एंड तक यही सोच रहे होगे कई सालों तक कि अच्छा ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में पता चलता है ऐसा हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मन मोटवानी बतानी भूल गई कि अरे मैं तो मजाक करता था। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है तो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ कि अमन मोटवानी को 5:30 बजे नहीं सोया था, 1:30 बजे अमन मोटवानी सो 1 बजे सो गया था, ठीक है। डेढ़ क्यों, आधा घंटा भी चाहिए तुम्हें, ठीक है 1:30 बजे अमन के लिए हम मान लेते हैं, 1 को हम 1:30 कर देते हैं, तो 1:30 बजे अमन मोटवानी सो गया था। और ये कैसा वेटर है, मैं गेस्ट हूँ, मैं चाय ऑर्डर की है और ये खुद पी रहा है जहरीला। खुद उठा ले निकलने ये क्या तरीका है भाई, खुद उठा ले और निकल ले। चलो ओके क्या चल चल रहा है घर पे, पति ठीक है। ऐसा वेटर होगा तो भाई मैं कभी दोबारा आऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ। खिलखिला रही हूँ मैं, आओगी नहीं तुम्हें, घुसा पड़ेगा आपको, पसंद आ गया लगा फायर, तुम फायर होते हो, हमारे साथ फायर कर दिया यहाँ से। कुछ
कुछ क्या Let's go on a date, ma'am. Shut up. I'm just asking if possible. अब मैं तुम्हारी बॉस से कंप्लेन कर दूंगी. और कौन है बॉस? अभी तो तू ही बॉस हो. अच्छा. गाइस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि कौन वेटर है, कौन गेस्ट है, कौन बॉस है. बट एक चीज तो क्लियर है कि ये इंसान छपरी है, कोई ग्रीन फ्लैग नहीं है. देख लो ये असलियत थी अमन की जो मैं आप लोग के सामने लाना चाहती थी. आज अमन का खुलासा हो गया. भाई मौसम सुहाना हो रहा है, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है मौसम. चटकदार ये मत देखो, ये सब मना देखो भैया. मौसम देखो भैया, मैं चल रहा हूँ जिम और उसके पहले अभी मैं पढ़ रहा था, इंस्टाग्राम देख रहा था. भाई कितनी ट्रोलिंग होती है ऑनलाइन. भाई सब लोग किसी भी कमेंट पे, कोई आदमी कुछ एफर्ट कर रहा है, कोई लड़की कुछ कपड़े पहन रही है. भाई इतना ताना देने के लिए लोग बैठे, डिस्करेज करने के लिए. मत करो यार, मत करो ये सब चीजें, तुम्हें ही दिक्कत होगी आगे जाके. क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम जब कुछ करना चाहोगे, कुछ बनाना या कुछ करना, तब तुम 100 बार सोचोगे, लोग कमेंट मारेंगे भाई उल्टा सीधा. समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें खुद आदत पड़ी हुई है. ऑनलाइन ट्रोलिंग बंद करो. थोड़ा बहुत मजाक चलता है अपने दोस्त के, उस पे करो. बट किसी को ऐसा मत करो कि किसी का कॉन्फिडेंस टूटे. जब कॉन्फिडेंस टूटता है ना तो बहुत दुखता है आदमी, उससे उभरने में बड़ा समय लगता है. मेरा भी टूटा है, हालांकि किसी ने इतना करा नहीं था. पर जिसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम हो, उसका अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम करोगे तो और आदमी दब जाता है. कुछ लोग पहली बार नेट पे कुछ डालते हैं, कुछ वीडियो, उस पर ही आदमी मजाक उड़ा देता है, तो लोगों का पूरा कॉन्फिडेंस चूर हो जाता है. और जिसके हमको लगता है हमने तो बस इतना सा ही बोला, भाई सामने वाले पे क्या बीतती है उससे पूछो ना. तो किसी को ना, कोई कुछ कर रहा है पहली बार, गलत कर रहा है, खराब कर रहा है, थोड़ा उत्साह बढ़ाओ, थोड़ा दो कदम आगे बढ़ेगा. समझ रहे? मेरे को तो ट्रोलिंग नहीं होती, नहीं तो मैं वापस ट्रोल कर दूंगा. ध्यान रखना, मजाक कर रहा हूं. बट मत करो यार, किसी को नीचे मत दिखाओ. आगे जाके ना ऊपर वाला देख रहा है, दिक्कत होगी अपने को. जितना हो सके सामने वाले का उत्साह बढ़ाओ. हम जब सामने वाले को उठाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो खुद को अच्छा फील होता है. जैसे अगर आप कभी सड़क पे किसी कुत्ते को खिला दो या किसी गरीब का भला करो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना. उसी तरीके नेट पे अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, किसी ने कुछ अच्छा नहीं भी बनाया, बोल दो गुड यार, क्या पता उसी से उसको लगने लगे एक और में ट्राई करो. एक दूसरे को बड़ा बड़ा कहीं आगे बढ़ते हैं. बहुत हो गया लेक्चर, अब चलते हैं जिम की तरफ. जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट करें. मेरी हेल्थ को ट्रोल मत करना कोई भी. जस्ट किडिंग, कर लेना, थोड़ा बहुत चलता है यार. लो भाई, मालिश के पहले ही रोने लगा बेचारे को. अपना मोबाइल कवर चेंज किया? यस, मैंने अपना. मेरा फोन की हालत इतनी खराब हो गई है. चुप रहो. मम्मी के लिए लाया था, पर मम्मी का मोबाइल पता लगा पीछे से टूटा हुआ है. The next day. Good morning guys. तो आज हमने सोचा कि आप लोगों को हम टूर कराते हैं हमारे इवान की बाथरूम का. इतनी बड़ी हमारे घर में किसी के पास भी बाथरूम नहीं, जितनी बड़ी इवान के पास है. जितना छोटा इंसान उतनी बड़ी बाथरूम. तो देखिए चढ़ा ये बेड ही इसके बाथरूम में गाइस. ये पूरा रूम क्या इवान का बाथरूम बन गया है. क्योंकि यहाँ पे इसको हम सिर्फ नहलाने के लिए लाते हैं एंड बेड पे नहलाते, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है. और इवान चल सही है यार, मस्त है. बताओ बेड पे कौन नहाता है? लोग पहले बोलते थे बेड पे चाय पीना, बेड पे खाना कौन खाता है. अब भी बोलेंगे बेड पे कौन नहाता है. अब बेड पे धीरे धीरे हगने भी लगेगा, ठीक है? वो तो करते ही है. पर नहलाने वाला सिस्टम हमने बेड पे किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है. और आज इवान नहाने के बाद पहनेगा ये पैंट एंड ये टी शर्ट. तो गाइस बच्चों के कपड़े इतने जल्दी छोटे हो जाते हैं, इतने जल्दी छोटे हो जाते हैं कि इवान के इतने सारे कपड़े जो मुश्किल से एक बार बनाए हैं, या कुछ तो ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं बनाए, पर वो छोटे हो रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी सारे कपड़े उसे फटाफट पहना दूं, ताकि सारे यूज तो कम से कम. और ऐसा लगता है कि खरीदने का भी मन करता है, खरीद भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हैं, सब छोटे भी हो रहे हैं. बड़े कंफ्यूजन हो जाता है. बताओ क्या किया जाए? कुछ नहीं, महंगा घूम गया. भाई मैं आज ऑनलाइन सुबह उठते से इसके लिए कपड़े देख रही थी, देखते देखते भी हटा दिया कि हटाओ. और मेरा दिल धड़क रहा है भैया, अब तो यार इतने सारे कपड़े वो तो पहना नहीं पा रहे इसको. और मैं नहीं क्या पहनना है, लंगोट पहन के घूमने में उसमें क्या है, है क्या नौदी? गाइस तुम्हें लगता है कि बस को गोद में लिए रहो और रात को 1-2 बजे लगता है कि बस सो जाए और गोद से उतरे नीचे और सो जाए, पर सुबह देखो ऐसा लगता है कि बस इसको लिए रहो, बिगाड़ दो इसको प्यार से, है कि नहीं? वो स्मॉल मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट यू, मी ऑल्सो, एवरीबॉडी. दिखाता हूँ, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं. कहीं पहुंचने के लिए किसी रास्ते से निकलना पड़ेगा और कहीं से निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है. अपने सपने भी हैं, सबको कुछ करना है, तो उसके लिए चुनौतियां आएंगी यार. पर ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी लेवल की चुनौती है. किसी को 10 रुपए के लिए कोई रो रहा है, कोई 100 के लिए, कोई 1,00,000 के लिए, कोई 1,00,00,000 के लिए. तो ये मत सोचना अबे उसका तो मस्त है, सबके पास अपनी अपनी समस्या है. पर ठीक है, ये लाइफ का नियम है और ये होना चाहिए ना, तो लाइफ से इंटरेस्ट ही उठ जाएगा. हाँ। हाँ।
बढ़िया। इति अपनी मम्मी से बात कर रही। तो गाइस इति की मम्मी आने वाली है हम लोग के घर। पूरी ऑडियंस बेताब थी भैया, अब अपनी मम्मी से मिलाओगी? हाँ आएंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। आएंगी का मतलब क्या? तुम्हारा काम है उनको बुलाना? हाँ बिल्कुल आएंगे। गाइस वो इति से 100 times ज्यादा मस्त है, है कि नहीं? जब भी फोन पे बात करते मौसम की बात करने लगता है। और यहाँ तो बहुत बारिश हो रही पर बहुत गर्मी है। सही बात है, मौसम जानबूझ के छेड़ता है। छेड़ता नहीं हो गाइस, एक बात बता रहा हूँ, मौसम बहुत अच्छा टॉपिक है किसी से बात करने के लिए। एक मौसम, दूसरा पॉलिटिक्स। ओह माय गॉड, दिस इज पेन टू यू? पापा गेट हर्ट? पापा गुड नाउ? Oh my god! And then it's my parents and dad! What? Oh my god! Because mama breathes! Oh my god! You're not saying anything to mama! I'm just breathing! This is small! Oh my god! Okay, Sinatra, go eat, eat, eat! Yes, Sinatra, go eat, eat, eat! Did you, Sinatra? But why? Because you're angry! I'm not angry, sir! Not angry! I'm not angry! भाई साहब सारा सो कम यार, आइसक्रीम फॉर यू। कम कम दादा, हैव आइसक्रीम फॉर यू। आई एम सॉरी टू यू, बट टीथ ब्लैक कमिंग फ्रॉम आइसक्रीम। सारा नॉट ईट आइसक्रीम। नो, आई नीड आइसक्रीम टुडे। केवल मैं ही तुमसे खफा हूँ। बहुत ध्यान देना पड़ता है, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल क्यों भाई, तुम्हारी वजह से ये सारे नाराज हो गई। तुम तो हंसी आ रही है। Look to you, Aman. Who angry to my son? I'm not doing anything to you. वो भूल गई कि वो मुझसे नाराज है और धीरे धीरे अमन पे शिफ्ट हो गई। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। नो अच्छा, अब तुम काई के लिए करे जब वो भूल गई तो शट अप। सारा ईट अमन, ओके सारा गो ईट अमन। हाँ भैया, बच्चे से अगर 2 मिनट टाइम मिले तो हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं मैम? पूछ सकते हैं। गाइस भाव नहीं देती मुझे ये, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा हाँ, थोड़ा आराम से रहो मेरे साथ। शट अप टू यू एंड बैक। रेडी फॉर द क्वेश्चन? यही पूछ लेता हूँ क्वेश्चन क्या जा रहा है। आज तुमसे वही क्वेश्चन पूछूंगा जो ऑडियंस से पूछा था। गाइस आप आंसर नहीं दे पाए, इतने सवाल सवाल इतने आंसर। वो क्या बोलते हैं यार उस आसान सवाल इतने आसान सवाल का? ठीक है चलो ठीक है मैं कर पाती। तो गाइस बहुत इजी है, ठीक है। दो बॉक्सर्स होते हैं, ठीक है। नहीं ये सब नहीं करना, अब एक ही चीज ड्रामा की तरह करनी है तो फिर ना पूछो। ठीक है बॉक्सर, बस मेरा क्वेश्चन सुनो, चुपचाप मुझे आंसर दो। दो बॉक्सर होते हैं, ठीक है। वो रिंग में जाते हैं लड़ाई करने, ठीक है। 12 round का मैच होता है, ठीक है। एक बॉक्सर सामने दूसरे वाले को 6th round में ही हरा देता है। पर किसी भी आदमी ने एक दूसरे को कोई भी पंच नहीं मारा होता, न किक मारी होती है, ऐसा कैसे? किसी ने भी एक दूसरे को एक भी राउंड में किक नहीं मारी? नहीं, एक किसी आदमी ने भी एक दूसरे को मतलब न कोई किक मारा है, पंच भी नहीं मारा। मतलब कि 6th round में पंच नहीं मारा है कि 6th round में पंच नहीं मारा है? मारा ही नहीं है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। मतलब फर्स्ट राउंड कोई और किसी को ना मार दे अभी। तो गाइस देखिए वो 5th round में ढेर हो गया था। नहीं किसी में नहीं मारा, पहले में भी दूसरे। अच्छा, पहले भी नहीं मारा ना, क्योंकि जो दूसरा वाला होता है ना वो आते ही नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है, टाइम लिमिट हो जाती है, सो जाता है। बिल्कुल गाइस एक सेकेंड। हाँ यही तो इवान थोड़ी ना है, फाइटर है इवान। ए, हमारा इवान भी फाइटर है गाइस। लेकिन कुछ भी करते करते सो जाता है। आंसर बताओ इतनी जल्दी में, टाइम नहीं, जल्दी बताओ। इतनी मैं फिर से नहीं बोला गाइस, आपको 2 बार पूछ चुका हूँ, हार मानो जल्दी। गाइस इतनी ने भी हार मान ली और ऑडियंस ने भी हार मान ली थी, सबने गलत आंसर दिया था। आंसर बताऊं, मैंने बोला किसी भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया, लड़कियां भी तो बॉक्सर होती हैं थी। दे वर विमेन बॉक्सर। गाइस आप खुद फेमिनिस्ट हो, ऑल द गर्ल्स की हमें हमारा हक चाहिए। हक कैसे मिलेगा, इतना तुम्हें नहीं होना चाहिए। लड़कियां बराबरी की है कि नहीं है? है ना, पर दिमाग में बराबरी नहीं है। देखो तो गाइस कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा थोड़ी बहुत चीजें, कोई बात नहीं। तो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल एंड फॉलो अस ऑन। गुड नाइट गाइस।